हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये है विगोस C12 एंड ये है विगोस D15, तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि इन दो गाड़ियों में आपको कौन सा खरीदना चाहिए आपके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से। तो हमारे साथ है कुणाल जी फिर से। तो हेलो कुणाल जी। हेलो सर। तो अभी बताइए कि इन दोनों गाड़ियों में, मतलब एक एक पॉइंट से हम जाते हैं, तो इनमें डिस्प्ले का क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोनों भी प्रोडक्ट बहुत औसम है, सेलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है दोनों भी मॉडल का। डिस्प्ले एक्चुअल में सिमिलर है दोनों का, दोनों डिस्प्ले में कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपको सिमिलर ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है इसका व्हील साइज में क्या है? व्हील साइज अगर देख सकते हो आप, D15 का 16 इंच का व्हील बेस है और C12 का 13 इंच व्हील बेस दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो भी हिल वगैरह है वो चढ़ने में आसानी हो, जो कि D15 में थोड़ा सा हार्ड जाता है बिकॉज मेटल बॉडी है गाड़ी का। ओके, फाइन। तो अभी जैसे कि आपने बता दिया कि इसमें मेटल बॉडी है और इसमें फाइबर बॉडी है, सर ABS फाइबर बॉडी है, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइबर बॉडी है, जो कि जल्दी टूटता नहीं है। तो मतलब मेटल के साथ इसके ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है? 100% सर, मेटल बॉडी कभी भी बेस्ट ही है। पर रेंज अगर किसी को ज़्यादा चाहिए, जो कि D15 में 115 का ही एवरेज है, जो C12 145 का देती है एवरेज, तो इसलिए फाइबर बॉडी में उनको कन्वर्ट किया। ओके, तो मतलब इस मामले में आप बता सकते हैं रेंज के मामले में ये बेहतर है रादर देन C12 बेटर है। तो मेरा राइट साइड वाला है C12 एंड लेफ्ट साइड वाला है बिगॉस D15, तो C12 रेंज के मामले में बेहतर है। ओके, बट बॉडी मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये बिगॉस D15 इज बेस्ट। ओके, ग्रेट। और C12 में कोई मोड्स नहीं है, राइट? C12 में मोड नहीं है सर, पर D15 में आपको दो मोड आएंगे, स्पोर्ट्स मोड एंड इको मोड, जो कि इको मोड में 45 तक रेंज दिया, स्पीड दिया हुआ है, और स्पोर्ट्स मोड में 60 का दिया हुआ है, जो कि C12 में सिर्फ टॉप स्पीड 50 का ही है, कोई मोड वगैरह गाड़ी में नहीं दिया हुआ। ओके, फाइन। इसका टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड 60 का है सर। D15 का टॉप स्पीड 60 ऑन रोड 60 का देता है। एंड पहाड़ चढ़ने में कौन सा अच्छा है? पहाड़ चढ़ने में इसका व्हील बेस छोटा, इसका वेट कम है कंपेयर टू D15, तो पहाड़ चढ़ने में या हिल सेक्शन पे अगर कोई रोज का आना जाना है तो C12 वो ले सकते हैं कंपेयर टू D15। तो अभी नेक्स्ट पैरामीटर में आते हैं कि इसका बैटरी, इन दोनों में से कौन सा बैटरी बेहतर है और क्या पावर है बैटरी का? एक्चुअल में दोनों भी बैटरी एक ही पावर का है, दोनों बैटरी सिमिलर लिथियम आयन में ही आएगा, 55 एम्पियर 57 वोल्ट का ही, तो चेंजेस कुछ भी नहीं है दोनों भी बैटरी में, सेम ही आएगा। और मोटर? मोटर में फिलहाल कंपनी तो सेम है, PMSM हब का ही मोटर आ रहा है, पर D15 का मोटर व्हील बेस बड़ा होने के कारण मोटर का कैपेसिटी ज़्यादा है, 3.2 किलोवाट का मोटर आ रहा है D15 में, जो कि C12 का 2.5 किलोवाट का आ रहा है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड स्पेस आप D15 में बहुत कम मिल रहा है, सिर्फ चार्जर कैरी करने के लिए जगह मिल रहे, जो कि C12 में आपको डिक्की स्पेस भी आएगा और चार्जर कैरी करने के लिए अलग से स्पेस भी आ रहा है सर। ओके। सो C12 इस मामले में बहुत आगे है सर। तो अभी इसमें जो साइड स्टैंड सेंसर है ये D15 में है? एक्चुअल में बिगॉस के हर एक मॉडल में आपको साइड स्टैंड सेंसर आएगा ही, जो कि C12 में भी है और D15 में भी है, और हमारा जो पहले वाला B8 मॉडल है या A2 मॉडल है उसमें भी साइड स्टैंड सेंसर आएगा ही। बिगॉस ने दो तीन बातें कॉमन रखी है, जैसे रिमूवेबल बैटरी, साइड स्टैंड सेंसर, रिवर्स मोड के लिए लिमिट रखा है, जो कि कंपेटिटर जो जिनके गाड़ी जो स्पीड से आगे जाती है वही स्पीड से पीछे भी जाते हैं, पर रिवर्स के लिए अपन ने थोड़ा सा लिमिट रखा है, 3 से 4 के स्पीड से ही रिवर्स जाते हैं, जो कि राइडर को कंट्रोल करने के लिए आ सके। ओके, ग्रेट। किसको D15 खरीदना चाहिए एंड किसको ये C12 खरीदना चाहिए? जो कस्टमर ऐसा है कि जिसको बाइक चलाना ज़्यादा मतलब पॉसिबल है और व्हील बेस बड़ा चाहिए वो D15 कंपेयर कर सकते हो, और जिस कस्टमर को कमर्शियल यूज़ के लिए या मतलब फैमिली यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए वो C12 परचेस कर सकती है, क्योंकि फैमिली मैन को मतलब लेग स्पेस चाहिए रहता है या डिक्की स्पेस चाहिए रहता है, जो कि D15 में उतना आएगा नहीं, राइडिंग के लिए D15 इज़ बेस्ट। सर्विसिंग वारंटी सब कुछ दोनों में सेम ही है? सेम ही है सर, सर्विसिंग वारंटी 3 साल के लिए आता है बैटरी मोटर कंट्रोलर और चार्जर को, 3 ईयर्स और 36,000 किलोमीटर्स
और सर्विसिंग भी सेम ही है, ऑलमोस्ट 6-6 मंथ के बाद है और 6,000 किलोमीटर के बाद ही है, तो सेम ही है सर दोनों गाड़ियों का। ओके ओके ग्रेट। तो दोनों का ही मतलब सर्विसिंग आपके शोरूम में भी हो सकता है? हाँ, हमारे शोरूम में सर्विस सेंटर में होता है, ऑल ओवर पुणे में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में, किसी भी बिगॉस सर्विस सेंटर में आप गाड़ी लेके जा सकते हो। और लाइट्स जो है ये दोनों में एलईडी लाइट्स है? हाँ, दोनों में एलईडी लाइट्स है, पर जो इंडिकेटर दिया हुआ है C12 का बॉडी में अंदर दिया हुआ है, जो कि D15 का अलग से इंडिकेटर गाड़ी को दिया हुआ है, जो कि गाड़ी को छोड़ के बाजू में। ओके, तो थोड़ा सा मॉडल अलग अलग, लुकिंग वाइज अलग अलग है, पर पावर वगैरह दोनों गाड़ी का सेम ही है। इसका जो ब्रेक है, हाँ, दोनों में ही ड्रम ब्रेक है क्या? हाँ, दोनों में भी ड्रम ब्रेक ही है, पर D15 में कस्टमर का मतलब फीडबैक था कि ड्रम ब्रेक बहुत ही हल्का लग रहा है, तो सीट बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स भी किए हैं, भी किया था, पर C12 का वो जो उन्होंने चेंजेस किया है, ड्रम ब्रेक ही है पर वो अच्छा और अच्छा क्वालिटी का उन्होंने लगाया हुआ है C12 में, जो कि ब्रेकिंग वगैरह के लिए गाड़ी स्लिप वगैरह नहीं होती है, ऐसा कुछ सब कुछ किया। तो ऐसा कोई स्कीम कंपनी से अगर आते हैं तो अच्छा है, पता नहीं है कि नहीं, मतलब D15 को एक्सचेंज करके C12 ले, ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज D15 अभी फिलहाल नया ही मॉडल है, क्योंकि वारंटी में भी चल रहा है, कंपनी ने अभी तक ऐसा कुछ लाया नहीं है। नहीं, मैं जस्ट एक सजेशन दिया। चलिए, दोनों का लोन फैसिलिटी सेम ही है क्या? सेम ही है सर, दोनों में 20,000 तक मिनिमम डाउन पेमेंट रहेगा, EMIs वगैरह सिविल के हिसाब से ही रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्राइस जो D15 का है, ऑब्वियसली मेटल बॉडी है, इसलिए उसका 1,25,000 के अराउंड D15i का जा रहा है, और D15 प्रो मॉडल जो है जिसको GPS आता है वो 1,36,000 के अराउंड मॉडल जा रहा है, और C12 अभी फिलहाल तो 1,22,000 ऑन रोड गाड़ी मिल रही है, एक शोरूम प्राइस गाड़ी का 98,000 है, इंक्लूडेड इंश्योरेंस, RTO रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्सेस वगैरह सब मिला के गाड़ी 1,22,000 तक जा रहा है। अच्छा, तो ये 1,25,000, ये 1,22,000, तो ऑलमोस्ट सेम ही है प्राइस। हाँ, ऑलमोस्ट सेम है सर, गाड़ी का जो रेंज है D15 का वो 115 किलोमीटर का है, कस्टमर फीडबैक हमें 105-110 किलोमीटर का, जो कि C12 145 किलोमीटर का एवरेज देती है, जो हमने टेस्ट किया है तो 120-125 तक गाड़ी एवरेज दे रहा है। थैंक यू थैंक्स अ लॉट, बहुत परेशान किया आपको, दो वीडियो बनाए अभी। हाँ, तो थैंक यू। तो हाँ, आप अगर आपको कोई भी एक गाड़ी खरीदना है तो ऑब्वियसली शोरूम में आइए, किसी भी बिगॉस के शोरूम में आइए और दोनों गाड़ी टेस्ट करके देखिए, और उसके बाद जानिए कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है। तो ये वीडियो अभी यहीं तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, तो अभी चलो, बाय बाय।